हैं व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी और आज आप देख रहे हैं स्टेप अप मैथ्स। सो ये आज टॉपिक लेके आए 9th स्टैंडर्ड का मिड पॉइंट थ्योरम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टार्ट करें। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो ये एक ट्राइंगल है, अज्यूम करो यहां पे ई और एफ ये दोनों मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, इसकी थर्ड साइड से ई एफ पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पे हमने एक और लाइन को सपोज किया है, दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द ए बी, ए बी के पैरेलल ये लाइन रहेगी और यहां से एक डॉटेड लाइन को हमने अज्यूम किया है। सो किस तरह से हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे, तो ये हम देखें। एग्जैक्टली एक ही चीज हमारे मन में रखना है कि ई एफ पैरेलल होना चाहिए बीसी के। तो ई एफ और उसके साथ बनती हुई एफ डी वो कौन से दो ट्राइंगल में आती है? तो ये दो ट्राइंगल में। तो लॉजिक सिर्फ यही है कि इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाते हैं तो हम बता सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है बीसी के। एज यू ऑल नो कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वी कैन राइट हियर ए ई इज इक्वल टू ए बी बाय टू, बिकॉज ये ए ई है वो ए बी का क्या है, हाफ। तो सेम ए एफ इक्वल टू ए सी बाय टू। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? बिकॉज हमें ये गिवन है कि ई और एफ ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, ठीक है। सो यहां पे ये दो अलग अलग हमें ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, तो दोनों के नाम लिखे इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ये दो ट्राइंगल की बात करें, सो ये दो ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये क्रॉस हो रही है, मतलब कि ये दोनों एंगल्स को हम करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दिस टू आर द सिमिलर। तो दिस एंगल इज नॉन ए एफ ई इज इक्वल टू दिस एंगल सी एफ डी, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट, यहां पे अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती है तो यहां पे जेड क्रिएट होता है, दैट मींस ये दोनों एंगल बनते हैं अल्टरनेट एंगल। ये तभी बनते हैं जब उसके साथ बनती हुई ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो ये जेड फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों एंगल को कहते हैं, सॉरी ये वाला एंगल, इन दोनों को कहते हैं अल्टरनेट एंगल, दिस टू आर सिमिलर। तो ये एंगल है ए ई एफ, एफ ही आएगा इधर, इज इक्वल टू दिस एंगल एफ सी डी, नाउ इन दोनों में एक साइड सेम है, कौन सी, कि एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए एफ और एफ सी क्या होगा, सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज एफ है वो एसी के मिड पॉइंट पे है। तो दो एंगल एक साइड, कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ बाय टू एंगल एंड वन साइड, ए एस ए थ्योरम। सो जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू अर्थ होते हैं तो उसके साथ बनती हुई साइड्स या एंगल वो सेम होते हैं बाय सीपीसीटी। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साथ बनती हुई ये दोनों साइड ई एफ और एफ डी ये दोनों सेम होगी बाय सीपीसीटी। नेक्स्ट, इसके साथ बन अगर ये दोनों साइड सेम हुई तो ये अनदर साइड ए ई और सी डी भी होगी सेम, ये भी होगी बाय सीपीसीटी।
अब आप जानते हो अगर ये साइड और ये साइड सेम है और ई वो ए बी का है मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ए ई और बी ई सेम होते हैं, तो ऑब्वियसली बी ई वो सी डी के क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बी ई इज ऑल्सो इक्वल, बी ई इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल बी ई बी सी, इसमें ऑपोजिट साइड है सेम, और जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड सेम होती है तब हम उसे कहते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि बी ई डी सी पैरेललोग्राम बनेगा कि उसकी, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड है सेम, हमने यहां प्रूव कर दिया। तो दैट्स वी कैन से दैट इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सेम होती है, और एक चीज हमने यहां देखी कि ई एफ वो एफ डी के सेम टू सेम है, मतलब कि एफ एग्जैक्टली ईडी के बीच में आता है। तो कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सेम होती है और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इसका मतलब ईडी इज पैरेलल टू बी सी, तो वी कैन ऑल्सो से कि ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। Hence, proved. हमें प्रूव सिर्फ यही करना था कि ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के होनी चाहिए पैरेलल। सबसे पहले पूरा पैरेललोग्राम हमने जनरेट किया, उसके बाद पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, सो सेम ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस वी प्रूव। अगर आपको कोई डाउट है अगेन मैथ्स में तो हमें बताएं, तो हम उसे सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ